जब पूरा देश विकास की नई ऊंचाई छू रहा था, उदारीकरण के दौर में जब हर जगह डेवलपमेंट हो रहा था, बिहार जातिगत नशे में पीछे की तरफ भागता जा रहा था और प्रवासी होता जा रहा बिहारी प्रदेश के बाहर एक गाली के रूप में बिहारी हो कहलाने जाने लगा। नीतीश कुमार उस बिहार के एक उम्मीद बने थे कि जंगल राज से हम निवृत्ति दिलाएंगे। नीतीश की कुल जमा पूंजी जंगल राज के खिलाफ एक उम्मीद है और जंगल राज का नारा उसी नीतीश का दिया हुआ है। जातिवाद से बिहार को मुक्ति करने का प्रण लोहिया के इसी चेले ने अपने कंधे पर लिया था, लेकिन जब यह देश जातिवाद से मुक्ति की करवटें ले रहा है, नीतीश कुमार को जातिगत जनगणना चाहिए। नीतीश एकाएक जातिगत जनगणना का नारा क्यों देने लगे, जब केंद्र की सरकार ने कह दिया कि 2021 में जो जनगणना होना था उस पूरी फाइल तैयार हो गई है और इसमें 1930 के दशक के दौर से ही जो भारत में जातिगत जनगणना ना होने का जो ग्राफ है उसी के आधार पे अब की बार भी जातिगत जनगणना नहीं होगा। धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे जनगणना तो होता रहा है, लेकिन 1931 से अंग्रेजी काल से ही इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हुआ। नीतीश वही राग अलाप करके एक नया खेल खेल रहे हैं। उस दौर में जब नीतीश बिहार में रिजेक्टेड हो गए, एनडीए के सहयोगी नीतीश को 30 के आंकड़े पर बिहार की जनता ने पहुंचा दिया, तो नीतीश को लगा कि बीजेपी उन्हें निगल रही है। ऐसे में जातिवाद का नशा ही उनके लिए एक माध्यम था, लेकिन इसके प्रणेता तो उनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव थे, तो फिर लालू से उनकी लकीर लंबी कैसे हो सकती थी। नीतीश ने तय किया कि लालू अब सजायाफ्ता अपराधी हैं, वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते कानून के मुताबिक। तो लालू ने अपने बेटे को नेता बनाना चाहा, मुख्यमंत्री बनना उनके बेटे के लिए सपना था उनका, वो संभव दिखाई नहीं दे रहा था। तो नीतीश ने एक सपना दिया कि ऐसे तो तेजस्वी लीडर अपोजिशन ही रह जाएगा और यदि सत्ता नहीं रहेगी तो धीरे धीरे ताकत कमतर हो जाएगी, इसीलिए आपको सत्ता में रहना ज़रूरी है ताकि आपके ऊपर कोई नकेल ना कर सके। नीतीश ने यही सपना लालू को दिखाया कि हम बहुत जल्द केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और तेजस्वी को सत्ता सौंप देंगे, लेकिन नीतीश फिर उसी सियार की तरह हुए, या कह लीजिए उस बानर की तरह जो दो बिल्लियों की लड़ाई में पूरी रोटी निगल गया था। यही नीतीश कुमार होना है। नीतीश ने सपना तो दिखा दिया कि वो केंद्र की राजनीति करेंगे और तेजस्वी को सत्ता सौंप देंगे, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं थे। जब उन पर हमला होने लगा, जब उन पर ये कहा जाने लगा कि सिंह जो बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष थे उन्होंने, और शिवानंद तिवारी जैसे कद्दावर नेता ने जब नीतीश को कहा कि कुर्सी छोड़ दीजिए, तेजस्वी को बैठा दीजिए, तो नीतीश ने कहा इतनी जल्दी थोड़ी ही। उन्होंने ये कहा कि ये बनेगा ना, यही तो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे बाद यही तो बनेगा, लेकिन ये बात उन्होंने 2025 के लिए कह दी। सर, तेजस्वी जी को नेतृत्व करने को लेकर आपने सर कहा है सर 2025 एकदम करेगा, समझ गए ना सर। नीतीश कुमार होना यही है। अब आरजेडी कुनबे में ये कोहराम बच गया, 2025 तो बहुत दूर है। नीतीश कुमार का जब कल का नहीं पता, नीतीश कुमार के जब एक टांग को दूसरे टांग के बारे में नहीं पता, एक पैर को दूसरे पैर के बारे में नहीं पता कि कहाँ जाएगा, तो 2025 का सपना तेजस्वी के पप्पा को खेल समझ आने लगा। ऐसे में नीतीश पर दांव चला जाने लगा, शराब का मामला में फंसाया जाने लगा। लेकिन नीतीश भी कम चालाक थोड़ी हैं। इस नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत आरक्षण का खेल खेल दिया, जातिवाद का नेता लालू प्रसाद यादव से भी बड़ी लकीर।
नीतीश जानते हैं कि बिहार में संख्या बल के आधार पर पिछड़ों की संख्या ज़्यादा है, बिहार में जातिवाद का नशा ज़्यादा है। तभी तो बिहारी, जब पूरा देश डेवलपमेंट की नई ऊंचाई छू रहा है, बिहार जातिवाद के चक्कर में घूम रहा है। इस देश का सबसे फिसड्डी राज्य, इस देश को पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या का बोझ देने वाला राज्य, जिस राज्य में कोई भी व्यापारी उद्योग लगाने नहीं जाता, उस राज्य के लोगों को सरकारी नौकरी का नशा देने के लिए जातिगत आरक्षण, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जो संख्या में जितना रहेगा उसे उतना आरक्षण मिलेगा। जब देश में सरकारी नौकरी नहीं है तो फिर इस नशा के मायने क्या हैं? ये नशा वही है जो नशा होने का मायने है। जब आप नशा में होते हैं तो आपका दिलो दिमाग काम नहीं करता। नीतीश जानते हैं, नशा के असली खिलाड़ी हैं। नशाबंदी के नाम पर बिहार को जातिगत नशा में ऐसे उलेरे हुए हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा नीतीश क्या कर रहे हैं। ऐसे में एक कबीलाई गैंग को मोदी से नफरत का नशा दे करके उन्होंने फिर से केंद्र से पंगा ले लिया। एक राज्य की सरकार जब केंद्र की सरकार से पंगा लेगी, उस सरकार से जो केंद्र में ताकतवर है, तो फिर राज्य का पिछड़ना वाजिब है। बिहार लगातार पिछड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री से विद्रोह, 30 दिसंबर को जो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट में नीतीश कुमार का पार्टिसिपेट ना करना, इस लिहाज से कि हमारा डिप्टी जाएगा, प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत नहीं कि CM की बैठक लें, ये बताता है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों की तरह PM से टकराहट लेकर के नीतीश कहाँ ले जा रहे हैं। इस बदले दौर में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी अब हालात समझ लिए हैं, इसीलिए वो बदले बयान दे रहे हैं। फैक्ट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट मिस्टर मोदी, आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, it should be noted, kind it's very important. I am his best friend also. People hardly know what friendship we have in between us, what kind of matters we discussed. People hardly know it. Yes, I am telling it on record. Telangana ke mukhyamantri ko to samajh mein aa gaya, Bihar ke mukhyamantri ko kab samajh mein aayega? Aise condition mein जब नीतीश भीख मांगने के लिए लगातार ये कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दो, तो देश पूछेगा कि क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? बिहार ने देश को क्या दिया है जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? बिहार क्या भी देश को सिर्फ मजदूर देगा? लेकिन गुजरात जैसे प्रदेश में तो लोग ये भी कहते हैं कि यदि बिहार के मजदूर यदि ना रहें तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए। क्या बिहार इस पर गुमान पाले कि उसके प्रवासी दूसरे राज्य में अपना पसीना बहाकर दूसरे राज्य को डेवलपमेंट करते हैं, और बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी जो लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय 32-33 साल से इस सत्ता पर काबिज हैं, बिहार को सबसे पिछड़ा घोषित करवा दिया? जिस बिहार के पास पर्यटन के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, महावीर का जन्मभूमि, बुद्ध की जन्मभूमि, राजगीर से लेकर के महात्मा की कर्म भूमि, सब कुछ बिहार में है। दुनिया के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र का की जन्म की भूमि भी बिहार में है। वो पहला यूनिवर्सिटी भी बिहार में है, धरती का सबसे पहला यूनिवर्सिटी भी नालंदा बिहार में ही है, लेकिन इसके बावजूद बिहार सबसे पिछड़ा है। नीतीश जानते हैं इसके पिछड़ेपन में ही उनके सत्ता की ताकत है। तभी अब तेजस्वी और उनके पप्पा को गुमराह करने के लिए उन्होंने जातिगत आरक्षण में बिहार को फंसाया है। है ना कमाल की बात? बिहार अकेला ऐसा राज्य है जो जातिगत जनगणना कराएगा। बिहार को इसी जाति के नशे में बांध करके ही तो नीतीश नशा का कारोबार कर रहे हैं। क्या बिहार को नशा का यही कारोबार पसंद है? ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।